टिकट नहीं, नहीं हमने बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था, हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें, इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है, उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जिन जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीटों को बंटवारे को लेकर आमने सामने आ गई। राज्य में सीट बंटवारे को लेकर हुए मतभेद पर कांग्रेस और सपा के बीच बयानबाजी पिछले कई दिनों से चलती रही। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा, कांग्रेस ऐसा व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। अब कमलनाथ ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि हमारे लोग ही सीट शेयरिंग को लेकर राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि सपा जो सीटें चाहती थी उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाए। आप लोग की बात, उनका ये कहना है कि जब बातचीत नहीं करनी थी टिकट नहीं, नहीं हमने बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था, हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें, इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है, उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जिन जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। बता दें कि अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ये भी दावा किया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी और सपा के लोगों से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि इस बैठक में सपा नेताओं ने मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के पिछले प्रदर्शन के बारे में बताया था। उस वक्त उन्हें आश्वासन दिया गया था कि गठबंधन के तहत सपा को 6 सीटें देने पर विचार किया जाएगा, लेकिन जब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई तो हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। फिलहाल कांग्रेस ने 229 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 22 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। सीट बंटवारे को लेकर कमलनाथ ने भी साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी को इसलिए टिकट नहीं दे पाए क्योंकि वो अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। अब देखना होगा कमलनाथ के इस बयान पर अखिलेश यादव क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।